हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं ओए पांडे जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो क्वालिटी कंपटीशन के बारे में। यानी अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि आप लो क्वालिटी सर्च रिजल्ट्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इस पर पोस्ट लिखकर अपने आर्टिकल को आसानी से रैंक कर सकते हैं। यहां मैं आपको कोई भी फ्री या पेड टूल के बारे में नहीं बताने वाला हूं, ये प्योरली बेस्ड होगा गूगल सर्च रिजल्ट्स पर। अगर आप एक बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे ब्लॉगर बताते होंगे कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करने के लिए इस पेड टूल का इस्तेमाल कीजिए, वो पेड टूल अच्छा है और मैंने भी बहुत सारे पेड टूल का इस्तेमाल किया है। लेकिन यकीन मानिए, आप सिर्फ गूगल सर्च रिजल्ट्स को एनालाइज करके जितना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं वो आपको कोई भी पेड टूल नहीं करके देगा। आज मैं आपको ऐसे 5 फैक्टर्स बताने वाला हूं जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, जिसे फॉलो करने के बाद आप आसानी से लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है, आप पोस्ट लिखने से पहले उस कीवर्ड पर गूगल सर्च रिजल्ट्स में ऑथोरिटी चेक करें। क्या कोई ऑथोरिटी साइट्स उस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है या नहीं। मान लीजिए मैं एक कीवर्ड पर आर्टिकल लिखने वाला हूं, हाउ टू मेक बैकलिंक। यहां आप सर्च रिजल्ट्स में देख सकते हैं एंटरप्रेन्योर साइट्स बैकलिंको, नील पटेल, शाउट मी लाउड जैसे हाई ऑथोरिटी साइट्स इस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं। यानी अगर मैं चाहूं भी इस कीवर्ड पर रैंक नहीं कर सकता हूं। इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए आपके नीच में कौन ऑथोरिटी साइट्स है। अगर आप देखते हैं किसी कीवर्ड के सर्च रिजल्ट्स में मल्टीपल ऑथोरिटी साइट्स रैंक कर रहे हैं, कभी भी उस कीवर्ड पर आर्टिकल मत लिखिए। यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, गूगल पर मेरा एक पोस्ट रैंक कर रहा है ऑटो ब्लॉगिंग कैसे करें इस कीवर्ड पर। यहां आप देख सकते हैं, अगर मैं बाकी पोस्ट की बात करूं तो यहां पर जो नंबर एक पर ब्लॉग है उसकी ऑथोरिटी है 31 और मेरे ब्लॉग की ऑथोरिटी है 11। अगर मैं बाकी सारे रिजल्ट्स की बात करूं तो इस कीवर्ड पर ज्यादा ऑथोरिटी वाले ब्लॉग नहीं है, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग आसानी से यहाँ पर रैंक कर रहा है। इसी तरह से आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढने होंगे जिस पर ज्यादा कोई बड़े अथॉरिटी साइट्स नहीं है, आप जिसमें आसानी से रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार गूगल सर्च रिजल्ट्स में देखा होगा कि फोरम के रिजल्ट्स टॉप पेज पर रैंक कर रहे हैं, जैसे कि क्वेरा, याहू आंसर, कभी कभार तो ट्वीट्स भी रैंक कर जाते हैं। इसका मतलब है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ज्यादा हाई क्वालिटी कॉन्टेंट नहीं है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी कीवर्ड पर देखते हैं कि इसी तरह से बहुत सारे फोरम रैंक कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके चांसेस है उस कीवर्ड पर रैंक करने के। आपको ये पता होना चाहिए, 2017 में गूगल का एक एल्गोरिदम अपडेट आया था जिसका नाम था फ्रेशनेस अपडेट। जैसे ही इसके नाम से पता चलता है, इस अपडेट के बाद गूगल रिसेंट कंटेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। यानी अगर आपको सर्च रिजल्ट्स में कोई आउटडेटेड कंटेंट दिख रहा है तो इसका मतलब है आपके पास चांसेस है उस कीवर्ड पर रैंक करने के। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेशनेस अपडेट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप ये सर्च इंजन जर्नल का ये पोस्ट जरूर पढ़े। कई बार आप गूगल में किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर सर्च करते हैं, आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलता है, उसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं तो आपको जरूर उस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना है, क्योंकि आपके उसी कीवर्ड पर रैंक करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूं, हाउ टू स्टार्ट ए लाइफ स्टाइल ब्लॉग इन 2019। यहां आप सर्च रिजल्ट में देख सकते हैं हमारा जो एग्जैक्ट कीवर्ड था वो था लाइफ स्टाइल ब्लॉग के ऊपर, लेकिन हमें यहाँ पे जो रिजल्ट दिखा रहा है वो फैशन ब्लॉग के ऊपर दिखा रहा है, सिर्फ ब्लॉग कैसे बनाए उसके ऊपर दिखा रहा है। यानी आपको सिमिलर रिजल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। हालांकि ये एक हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है और यहाँ पे काफी ऑथोरिटी साइट्स रैंक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बस एक एग्जाम्पल देने के लिए ये समझा रहा था। लास्टली, अगर आपको सर्च रिजल्ट में लो क्वालिटी का कॉन्टेंट दिख रहा है
या फिर 500-600 वर्ड का आर्टिकल टॉप रिजल्ट में दिख रहा है, इसका मतलब आप उसी कीवर्ड पर ज्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट लिखकर रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च करते वक्त इन सभी फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखकर कीवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। इस तरह के कीवर्ड को एनालाइज आप किसी भी फ्री या पेड टूल में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा 1-2 घंटे अपने कीवर्ड रिसर्च पर लगाना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे कीवर्ड फाइंड कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए।